ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीद कांस्टेबल आनंद का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले बेटी के पास चलते हैं क्योंकि प्रियंका अपने पिताजी की सबसे ज्यादा अजीज थी, बहुत प्यार करते थे। प्रियंका, तकलीफ और दर्द महसूस कर सकते हैं, खालीपन आपकी जिंदगी में आया है, शायद वो भरा नहीं जा सकता, ये सभी जानते होंगे। लेकिन फिर भी पिता ने जिस तरह से बहादुरी से लड़ते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए शहादत दी, गर्व होगा उन पर। मुझे बिल्कुल अपने पिताजी पे गर्व है। जब वो जिंदा थे तभी भी मुझे गर्व था, क्योंकि हमेशा पिताजी देश देश की सेवा में लगे रहते थे। हमेशा उन्होंने देश के लिए काम किया और जाते जाते इतना बड़ा नाम कर गए कि शायद कोई कर भी नहीं सकता। क्या बातें होती थी पिताजी से, क्या कहते थे, क्या बनना है, क्या करना है, कुछ समझाया करते थे आपको? हमेशा यही कहते थे कि वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जिससे तुम्हारे दिल को अच्छा लगे करके वो काम करो, और कुछ ऐसा करो को जो दूसरों से डिफरेंट हो और जिससे तुम्हें कामयाबी मिले, ऐसा कुछ काम करो। और हमेशा बातें करते रहते थे कि हमें जो मदद, जिनको मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद करनी चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, एक अकेला बंदा बहुत कुछ कर सकता है। जाहिर सी बात है, पिताजी की कई तमाम बातें आपको याद होंगी। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बेटे से बड़ी उम्मीदें होती हैं पिता की, आज आपके पिताजी नहीं हैं, शायद ये तकलीफ ये दर्द एक बेटा समझ सकता है, लेकिन पिताजी की यादें हैं। पिताजी की कौन सी ऐसी बात कही हुई है जो आप कभी नहीं भूल सकते, जिसे आपने अपने जीवन का मंत्र बनाया? सर, पापा तो सबको मिलते हैं, लेकिन ऐसे पापा नसीब वालों को मिलते हैं। देवता देव जैसा उनके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, याद रहेगा पूरी लाइफ। पिताजी क्या चाहते थे, आप भी फौज में आए, पुलिस में आए? वो ये बोलते थे कि बेटा पुलिस में लग जाना, पर छोटी पोस्ट में मत लगना। मैं हमेशा ये सारा करता था, मैं यहाँ दो लोग हैं। जाहिर सी बात है, आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है, लेकिन परिजनों के लिए सोचिए कि फर्ज को निभाते हुए शायद ये जो पुलिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, शहादत देते हैं तो परिवार अकेले रह जाता है, दर्द परिवार को अकेले सहना पड़ता है। बेटों को गर्व तो है, लेकिन पिताजी चले गए हैं तो इस तकलीफ को सहना आसान नहीं है। जब भी उनकी बातें होती हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमित भी यहाँ पर भावुक हुए, पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपकी तकलीफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि जीवन पूरा बिताना था और इस तरह से अचानक बड़ा हादसा हुआ, अपने फर्ज को निभाते हुए पति चले गए, यादें सिर्फ बाकी हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश करने में कितनी मुश्किल आई उनके बाद? बहुत ज्यादा। उनके जाने के बाद बच्चों का पालन पोषण किस तरह से हो रहा है? बहुत मुश्किल से हो रहा सर। बातें होती थी, क्या बनाना चाहते थे बच्चों को? बच्चों को ये कहता था बेटा अपनी मेहनत से कामयाब हो, और वो चाहता था पुलिस में लगे मेरा बेटा और अफसर बने, और यही बेटी को चाहता था अगर मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे लगे। लेकिन उसके सामने तो कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, अपने फर्ज के लिए हमेशा लड़ते रहे, और जब गए तो भी शहादत हुई, कहीं ना कहीं एक मिसाल बनकर गए हैं पूरी दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज उनको सभी लोग सलाम कर रहे हैं। क्या व्यक्तित्व था उनका, जब आप शादी होकर उनके साथ आई थी तो क्या आपने जो सोचा था वैसा व्यक्तित्व था? कैसे थे, क्या करते थे? बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया विचार थे उनके। जाहिर सी बात है, जो इस तरह से अपनी अपने देश को बचाते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, वो कितने महान होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। उनके रिलेटिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, विनोद जी आपके दोस्त थे, अच्छा याराना आपका था, क्या कैसे थे कांस्टेबल आनंद, उनके बारे में बताइए। उनका बहुत बढ़िया व्यक्तित्व था,
हमेशा दूसरों की मदद करते रहना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अगर भाई मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, उनको एक ऑफिसर लाइन मिलेगी, अच्छा उनको इनक्रेज करना, हमेशा उनके मन में रहता था। अगर वो अपने परिवार को मोटिवेट करते, अपने बच्चों को मोटिवेट हमेशा करते रहते थे, वो भाई अच्छी पढ़ाई करनी है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा कभी गांव में देखो, अपनी ड्यूटी पर देखो, ऐसा कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने दूसरों की मदद ना की हो। जाहिर सी बात है, कोई उनकी कही बात आपको याद आती है जो एक दोस्त की हैसियत से उन्होंने कही हो, समझाई हो, कभी आपकी मदद की हो? हमारे को अक्सर बातें होती रहती थी टेलीफोन पर, मिलने का टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन डेली के डेली टेलीफोन पर बातें होती थी उनसे। हम जो भी बात करते वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए बातें करते थे। कभी भी जो भी बात होती थी, अभी हमने उस दूसरे आदमी को ये इतनी मदद की है, फला आदमी को इतनी मदद की है, गरीब बच्चों को डोनेट करते रहते थे हमेशा, चाहे कोई भी उनका गांव का मौका हो या बाहर का मौका हो, कभी भी उन्होंने मिस नहीं होने दिया, हमेशा दूसरों की मदद के लिए रहते थे और उसी मदद में अपने जो है ना ड्यूटी को उन्होंने अंजाम दिया। जाहिर सी बात है, जिंदगी भर दूसरों की मदद की। हाँ। जब पुलिस में भर्ती हुए थे, फौज में भर्ती हुए थे, पुलिस में आए थे, तो कहीं ना कहीं शपथ भी ली थी कि हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, और जो कसम खाई थी वो कसम निभाते रहे, और शहादत भी इसी तरह से फर्ज निभाते उन्होंने दी। वक्त छोटे से ब्रेक आया, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, शहीद तो चला गया लेकिन शहीद के जाने के बाद परिवार किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या वायदे किए गए थे और कितने वायदे अब तक पूरे हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।